नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सरा फार्मिंग लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अपने आज बजरी का जो सेटअप लगाया है तो इनकी प्रोग्रेस आपको चेक कराएंगे। तो ये सारे के सारे बजरी बैठे हुए हैं, इस साइड भी बैठे हुए हैं। तो इस साइड सबसे पहले अंडे उतारे थे, तो जहाँ से चेक करेंगे और कुछ पेयर है इधर उधर करने हैं। जैसे ये येलो वाला नर है, इसके साथ व्हाइट वाली उस साइड एक फीमेल बैठी हुई है, उसका किसी के साथ पेयर नहीं है। इसके साथ पहले पेयर था, तो इसके साथ लगाएंगे और इसमें से दो निकालेंगे। ये व्हाइट ऊपर बैठा हुआ है और एक बिल्कुल ऊपर बैठा, दोनों ऊपर ही बैठे हुए हैं। दोनों उस कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे। इनकी शिफ्टिंग है जो चालू है लगातार 2-3 दिन से, ताकि ये अच्छी ब्रीडिंग करे और अपने हमारे मन से ये अपना पेयर है जो सेट लगाएं। तो आपको दिखाते हैं कॉलोनी की प्रोग्रेस। तो हम लोग केज के अंदर आ गए हैं। ये देखो, ये ब्लू कलर में नर है, तो इसकी वजह से हंडी ये है। तो ये अपने चेक करेंगे पहले इसी की हंडी। आप चेक करो कि इस फीमेल ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंडे उतार रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अंडे इस फीमेल ने उतारे हुए हैं। तो दोस्तों, हम सेकंड केज के अंदर आ गए। इस केज में, इस वाली हांडी में आप लोग देख रहे हो, तो इसमें अभी अंडे उतार रखे हैं। तो आप लोग, वाइट फीमेल है, इसने यहाँ पर 5 अंडे उतार रखे हैं। आप लोग देखो, 1, 2, 3, 4, 5 ये वाइट की फीमेल है येलो मेल के साथ। हांडी बंद करेंगे तो आपको दिखाते हैं। वो आगे बैठा हुआ उस मेल के साथ है। तो ये वाली आंटी है जो, ये खाली है और कॉकटेल ने भी अभी अंडे उतारे नहीं है। तो ये एक नर हम लोगों ने और पकड़ लिया, येलो का नर है, बिल्कुल सुंदर। तो इनके साथ छोड़ेंगे। तो इनके साथ, इनको छोड़ने के बाद में वो देखो आप, सारे के सारे पेयर है एकदम सेट हो गए हैं। एक पेयर ये हो रहा है, एक वो आगे हो रहा है। तो उनके अच्छे से पेयर लग जाएंगे सारे, फुल हेल्दी और फुल बड़े साइज में जो जानवर है उनके सभी के पेयर लग जाएंगे। तो इनको 5-6 दिन इसके अंदर रखने के बाद इनका भी पेयर है जो इसी के अंदर लग जाएगा, और उसके बाद में वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। और 5-7 दिन ये अभी छोटे केज में रहेंगे, तो इसे छोटे केज में छोड़ेंगे। तो ये इन्हीं के साथ में गुल मिल जाएगा, अभी इन्हीं के साथ पेयर लग जाएगा इसका। तो हमारे इधर एक बजरी का बच्चा आया हुआ है उड़कर, पता नहीं कहाँ से आया। हमारा तुझे नहीं लग रहा, तुझे केज के अंदर हम लोगों ने कुछ बजरी ताड़ रखी है, तो इसको पास में छोड़ेंगे ताकि वो पकड़ा जाए। तो नीचे बैठा हुआ था, एकदम से मेरी इसके ऊपर निगाह पड़ी और हमें एकदम से लगा कि हमारी बजरी कोई ना कोई उड़ गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये नया बच्चा, किसी और का बच्चा ही आया हुआ है, पट्टा लग रहा है। तो इसे पकड़ते हैं और पकड़ कर आपको दिखाएंगे। ये पहली बार हुआ अब तक, कबूतर तो किसी काम में नहीं पकड़ा, लेकिन ये पकड़ी गई तो ये बच्चे जरूर पकड़ेंगे। ये देखो कैसे केज को देख रहा है और दूसरी बजरी को आकर, ये बाहर बैठा हुआ ऊपर उठे बह गया, देख ऊपर ऊपर बैठ के, नीचे तार थले तार ला। तो इसे नीचे उतार कर केज को चक लिया, हौली हौली ले अंदर ले जी। तो इसे अंदर अंदर डालेंगे ऐसी, और गेट खुला है तो इसका गेट खोलते हैं। तो बजरी का जो ये चिक है, किधर गया, अंदर बाढ़ दे अंदर। तो दोस्तों, हम लोगों ने बजरी का एक नया पैरेट है जो पकड़ लिया है, ट्रैप कर लिया है। हमारा तो जो बिल्कुल ही नहीं है, पता नहीं किसका उड़कर आया, किस्मत से जो यहाँ पर बजरी की आवाज़ सुनने के बाद यहाँ पर आ गया, तो अपनी किस्मत के साथ ही ये यहाँ पर आया हुआ है। हमारा तो ये इनमें सभी में हम लोगों ने चेक कर लिया, कोई नहीं है, लेकिन ये बाहर बैठा हुआ था एकदम। तो आप लोग चेक करें, एकदम भूखा है, बच्चा लग रहा है, नर लग रहा है कि फ्यूचर में ये नर बनेगा, क्योंकि इसकी चोंच से हमें मालूम पड़ा कि ये बाहर से आया। जो ब्लैक कलर की शेड आ रही है, शायद इसने कुछ खाया हो बाहर रहकर। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज नया बजरी का जो बच्चा है वो बच्चा पकड़ा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजरी का बच्चा हम लोगों ने पकड़ा, कबूतर भी अब तक नहीं पकड़ पाए, लेकिन ये बजरी जरूर हम लोगों के पास नहीं आ गई। पता नहीं कहाँ से उड़ कर आई है या किसकी उड़ कर आई है, बिल्कुल भूखा है। इसे दाना पानी देंगे, इसे अलग छोटे केज में ही शिफ्ट करेंगे कुछ दिन के लिए। तो उसके बाद इसको दाना पानी देने के बाद में, इसे खुला है जो इसी कॉलोनी के अंदर, ये बड़े वाली कॉलोनी के अंदर जब हम लोगों ने ये बजरी छोड़ी, तो उसके साथ इसे छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये आज हम लोगों के लिए नया सरप्राइज सा ही हो गया। तो जो परचेज कर कर इतना मज़ा नहीं आता है जितना ये पकड़ कर हमें खुशी महसूस हो रही है कि बजरी का जो बच्चा हम लोगों ने पकड़ा है, तो इतनी खुशी हमें। तो ये जहाँ पर बैठा हुआ था, एकदम से मेरी निगाह आई, तो मैं इधर अपनी शकीरा के लिए फीड डालने के लिए इसका बर्तन लेने आ रहा, तो मैंने देखा कि जहाँ पर आकर एक बजरी बैठी हुई है। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो हम लोग इसे पकड़ने गए, तब तक ये उड़कर ऊपर जाकर बैठ गई थी, और उसके बाद हम के छोटा केज रखने के बाद केजी के साथ लटक गई और हम लोगों ने इसे पकड़ लिया और बंद कर दिया।
तो दोस्तों ऊपर देखो एकदम ऊपर अपने कौवा बैठा हुआ, तो इसका एक बच्चा है जो नीचे गिर गया, इसने तब से हमारे पास ये देखो आप लोगों को चेक कराते हैं, पता नहीं कोयल का बच्चा है या कौवे का है, ये नीचे गिरा हुआ है, ये रहा। तो ये इसके मुंह में से थोड़ा खून भी आ रहा है, यानी ये चोटी तो हुआ क्या क्या कारण है, ये ऊपर से बिल्कुल ऊपर से ये नीचे गिरा है, ये मुझे कोयल का बच्चा लग रहा है, ये तो जहाँ तो फिर कौवे को मालूम पड़ गया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उस वजह से इसे नीचे गिर दिया। ऊपर पेड़ के ऊपर इनका घोंसला, आप लोगों को घोंसला भी दिखाएंगे, तो ये बच्चा बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसके फॉल्ट जरूर हुआ है। तो बिल्कुल ऊपर पेड़ के वो टॉप में आप लोग देख रहे हो जो सामने ये कौवे का घोंसला, इसी के अंदर से ये बच्चा है जो निकल कर नीचे गिरा हुआ है। तो हम लोगों ने जब देखा कि ये बच्चा कौवे का नीचे गिरा हुआ है, लेकिन ये कोयल या कौवे का पता नहीं, इसके थोड़ा बहुत मुंह में से खून भी आ रहा है, तो किस चीज़ का ये बच्चा है ये पता तो नहीं चल रहा है। तो कोशिश करेंगे, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा सकते, लेकिन जहाँ पर इसको जरूर बैठा देंगे, ये थोड़ा एक बार सेट हो जाने, तो जहाँ ठंडी जगह पर बैठा हुआ है, जब ये पूरा सेट हो जाएगा तो पेड़ के इस जगह पर बैठा देंगे, तो कौवा अपने आप इसको बच्चे को आकर चोगा देता रहेगा और इसको पाल लेगा। तो देखो वो कैसे जाकर घर के ऊपर बैठ गया जाकर, तो ये पूरा एकदम से उतावला हो रहा है बच्चे के पास आने के लिए, तो बच्चे को ऊपर बैठाएंगे।